नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और आप देख रहे हैं विजार्ड एजुकेशनल चैनल। अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक और प्रबोधक के ट्रांसफर आवेदन की प्रक्रिया 2018 जो 20 अप्रैल तक अपन को जमा कराने हैं, जिसका पूर्व में भी मेरे चैनल पर वीडियो जारी था जिसमें रोक हटी थी, जो प्रतिबंधित जिलों में जो रोक हटी थी वो सरकार द्वारा हटा ली गई थी, उसके आदेश की प्रति इस वीडियो डिस्क्रिप्शन अपलोड है और ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। ये वीडियो मैं आपकी सुविधा के लिए बनाता हूँ, इसमें कोई त्रुटि या विरोधाभास की स्थिति में आप विभागीय आदेश को ही अधिकृत माने। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स चेक कर लेते हैं अपन, कमेंट कितने आए। हरिपाल मौर्य कमेंटेड, सर जी ट्रांसफर फॉर्म फिल करने वाला वीडियो बनाए। इसके बाद में फिर वही कह रहे हैं कि फिर सर जी डेट निकल जाएगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो ट्रांसफर फॉर्म की प्रक्रिया है 2018 प्रबोधक एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के आवेदन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको अपलोड मिल जाएगी, अपलोड कर ली गई है। और तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण आवेदन पत्र आमंत्रित करने के क्रम में महोदय का आदेश है ये, राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग जयपुर दिनांक 2 अप्रैल 2018 का आदेश निकला हुआ है, जिसमें यहाँ पर कुछ निर्देश है कि स्थानांतरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करना, उसकी अवधि 20 अप्रैल है, इसकी 20 अप्रैल अवधि तक अपन को जमा कराने हैं। अंत जिला स्थानांतरण के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारंभिक को के कार्यालय में अपन को फॉर्म जमा कराने हैं, अगर अपन को इसी जिले में करवाना है। और ऐसे तृतीय श्रेणी अध्यापक जो प्रारंभिक शिक्षा में पदस्थापित हैं, जिनकी 6D हो चुकी है अथवा राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत पदस्थापित हैं तथा वे माध्यमिक शिक्षा के अंत जिला स्थानांतरण करना चाहते हैं, उनके स्थानांतरण आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। और अगर अंतर जिला करवाना है, दूसरे जिले से एक जिले से दूसरे जिले में आवेदन करना चाहते हैं, आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो स्थानांतरण तो संबंधित निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे, वहां पर आपको जमा कराना है। लेकिन यहां पर ऑनलाइन प्रक्रिया जो उसकी मेल भी कर सकते हैं, मेल एड्रेस भी इसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन अपलोड कर दूंगा मैं अभी, जिसको आप मेल भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही शर्तों में फॉर्म जो है अपने DDO सर से वेरीफाई कराना आवश्यक है, एक प्रति DDO सर को देंगे, जिले के DO सर को जमा करानी है और दूसरी प्रति जो है वो फॉर्म की आपको मेल एड्रेस पे भेजनी है। उसके भास्कर पत्रिका में भी पढ़ा होगा आपने कि तबादला आवेदन में गलत सूचना देने पर होगी कार्रवाई, यानी कि थर्ड ग्रेड शिक्षक तबादलों के लिए जो आवेदन कर प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसमें तबादलों के इच्छुक शिक्षक को व्यक्तिगत ईमेल के जरिए 20 अप्रैल तक आवेदन जमा करवाए जा सकेंगे। और तबादला आवेदन में सूचना अंकित करते समय अगर शिक्षक द्वारा या कोई गलती हो जाती तो स्वयं जिम्मेदार है। शिक्षक संबंधित DO को अंतर जिला के लिए बीकानेर के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में नए प्रशासनिक भवन के कमरा नंबर 15 और प्रशासनिक निदेशालय कार्यालय नंबर निदेशालय के कमरा नंबर 3 में आवेदन जमा करा सकेंगे। मतलब कि इसमें दोनों सुविधाएं दी गई हैं, अगर आप व्यक्तिश जाना चाहते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा के हैं वो कमरा नंबर 3 में जमा कराने हैं निदेशक कार्यालय के, और माध्यमिक शिक्षा के कमरा नंबर 15 में जमा कराने हैं। और अगर मेल पर आप मेल करना चाहते हैं तो भी मेल एड्रेस जो दोनों अलग अलग दिए हुए हैं जो अपन आगे देखेंगे इसमें। यहाँ पर अपन को ऑनलाइन करना है, मेल करना है, तो अध्यापक तृतीय श्रेणी और प्रबोधक के स्थानांतरण आवेदन मांगे गए निर्देश education.rajasthan.gov.in, ये जो साइट दी हुई है अपने शिक्षा विभाग की साइट है, इस पर से अपन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जिले में ही एक गांव से दूसरे गांव में करवाना चाहते हैं तो प्रारूप अ, और दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रारूप ब सबमिट करना है। प्रारंभिक शिक्षा में एक से दूसरे जिले के स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रारूप ब भरकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के कमरा नंबर 3 में बाय हेड जमा कराना है, या ट्रांसफर एप्लीकेशन ELE2018@gmail.com पर मेल भी आप कर सकते हैं। ये एड्रेस यहाँ पर ये डाउनलोड मेन्यू डाल दिया जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर से आप इसमें मेल भी कर सकते हैं। ये प्रारंभिक शिक्षा के जो फॉर्म ट्रांसफर फॉर्म है वो इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, और जो माध्यमिक शिक्षा के हैं
माध्यमिक शिक्षा में जिले में ही अगर ट्रांसफर करवाना है तो उसके लिए प्रारूप अ भरना है और अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को जमा करवाना है। और एक जिले से दूसरे जिले में अगर माध्यमिक शिक्षा में दूसरे जिले में अंतर जिला अगर स्थानांतरण कराना चाहते हैं तो प्रारूप ब भरना है और इसको निदेशालय बीकानेर के कमरा नंबर 15 में जमा करवा सकते हैं या ग्रेड थर्ड ट्रांसफर @gmail.com पर मेल भी आप इसको कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रारूप कॉलम में नहीं है, लेकिन ये उचित रहेगा कि दोनों ही अपने अपने आवेदन में कहीं पारस्परिक लिखकर एक दूसरे का नाम, विषय, स्कूल का नाम लिख दें और आवेदन बाय हेड या मेल करने का फैसला आवेदक शिक्षक को करना है। विभाग में दोनों एक समान ही कार्यवाही होगी। पूर्ण भर आवेदन साथ में दिए गए संलग्न प्रमाण पत्र, एक अपनी आईडी जिस पर मोबाइल नंबर लिखा हो, आपको अपना मोबाइल नंबर फॉर्म पर अवश्य शो करना है। सभी को स्कैन करके मेल करने होंगे। उसके बाद में पहले तो ये फॉर्म है वो स्कैन होगा, उस स्कैन करने के बाद में जो मेल आईडी, जो एड्रेस है प्रारंभिक और माध्यमिक के दोनों के अलग अलग, उस पर आप मेल कर सकते हैं। आवेदन में भरी गई सूचनाओं का जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से सत्यापन होगा। सूचनाएं गलत पाई जाने पर आवेदन निरस्त होगा। साथ ही आवेदन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित होगी। स्थानांतरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए पात्रता को क्या रखनी है? ऐसे तृतीय श्रेणी अध्यापक जिनका परीक्षा काल पूर्ण हो चुका है वे अंत जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे और समस्त जिलों में दिनांक 31/12/2012 के बाद नियुक्त ऐसे तृतीय श्रेणी अध्यापक जिनका परीक्षा काल पूर्ण हो चुका है वे निम्नांकित विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत आने पर ही अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो प्रतिबंधित जिलों में 2008 से पूर्व और सामान्य जिलों में 2012 से पूर्व जो शिक्षक लगे हुए हैं वो अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें निम्न असाध्य बीमारी से पीड़ित जैसे कैंसर, मुर्दा प्रत्यारोपण, ये सारी जो पीडीएफ है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर ली गई है, आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत ऐसे समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक जो दिनांक 31/12/08 से पूर्व नियुक्त हैं वे अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे। और गैर प्रतिबंधित यानी कि सामान्य जिलों में कार्यरत ऐसे समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक जो दिनांक 31/12/12 से पूर्व नियुक्त हैं वो अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पात्र होंगे। तृतीय श्रेणी अध्यापक संबंधित विषय लेवल स्पष्ट रूप से रिक्त पद स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे। और तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 2 विषय सामान्य के अध्यापक को तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 के रिक्त पदों पर स्थानांतरण के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे। इस पीडीएफ फाइल में से आप प्रारूप अ जो प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी अध्यापकों की जो फार्म प्रति है, जो आवेदन है, वो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अंत जिले के लिए परिशिष्ट अ है जिसकी आवेदक को अपनी प्राप्ति रसीद भी यहाँ से प्राप्त करनी है और अंतर जिले के लिए परिशिष्ट ब जो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम, कर्मचारी पहचान संख्या, वर्तमान पद, मूल विषय एवं पदस्थापित मय पद, विषय वर्तमान पदस्थापन का नाम, विद्यालय कोड, यानी कि यहाँ पर IFMS कोड आएगा जो विद्यालय का DDO कोड है, प्रथम नियुक्ति तिथि, वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि और गृह जिला वगैरह, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पहले फार्म में भर लें, उसके बाद में ही इसमें सही सही इसमें भरें और इसके बाद में इसकी प्रति को स्कैन करने के बाद में एक प्रति जो है वो अपने जिले के DO सर को
वेरीफाई करानी है, जमा करानी है, और दूसरी प्रति है वो आप मेल एड्रेस जो है उन पर आप मेल कर सकते हैं। इसकी आवेदन प्राप्ति रसीद भी इसके साथ में ही संलग्न है। इसके बाद में लास्ट में है ये स्थानांतरण आवेदन पत्र देने से पूर्व जांच के बिंदु, यानी कि आप जमा तो करवा रहे हैं, स्थानांतरण जो आवेदन पत्र है वो जमा करवा रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व आप जांच लें सही सही तरीके से, इसकी जांच किस तरीके से कर सकते हैं आप, और जहां तक हो अपना आवेदन गलत नहीं होना चाहिए, आप इस रूल्स में आते हैं या नहीं यह पहले देख लें। आवेदन पत्र के सभी कॉलम साफ साफ स्पष्ट भरे हुए हैं, जो कॉलम लागू ना हो उसे काट दें। कॉलम संख्या 3 में मूल पद व विषय तथा पदस्थापित पद विषय का अंकन सही सही करें। मूल पद पर विषय में अंकन में त्रुटि होने पर आवेदन पत्र निरस्त होने पर समस्त जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी। ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके मित्रों, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको मोबाइल में अगला नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।